झारखंड विधानसभा मॉनसून का तीसरा दिन है और आज सहायक पुलिस कर्मी के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेर रही है। आपको दिखाया तो देखिए विधानसभा के बाहर सीढ़ी पर बैठकर तमाम जो विधायक है हाथों में तकदी है और जो अनुबंध तमाम कर्मी है चाहे सहायक पुलिस कर्मी हो आंगनबाड़ी सेविका हो पंचायत स्वयं सेवक संघ हो और फिर जो बेरोजगार युवाओं को 5,000 रुपए भत्ता देने का वादा सरकार का था उस वादे को याद करा रही है और साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो है अपने वादे से कर रही है। आपको दिखा रहे देखिए जो घुसपैठ के खिलाफ प्रदर्शन करने का क्या गुनाह है छात्रों का क्या गुनाह था सहायक पुलिसकर्मियों का क्या कसूर है जैसे स्लोगन लिखकर सरकार को घेरने की कोशिश जो है वो लगातार कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखा तो रांची में जिस तरह से सहायक पुलिस कर्मियों पर लाठीचार्ज हुई थी उसकी तस्वीर है और उसके साथ ही सीएम आवास घेरे जा रहे सहायक पुलिस कर्मी व जवान एक दूसरे पर लाठियां चलाए। तो जिस तरह से आपको दिखाया तो काफी हंगामेदार यह मॉनसून सत्र और इस मॉनसून सत्र में लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा क्या कहेंगे सरकार तो कोई मुद्दा पूरा कर नहीं रहे आप लोग हंगामा कर रहे हैं। हम हंगामा नहीं कर रहे हैं हम हेमंत जी को उनकी झूठी घोषणा उनका झूठा वादा याद करा रहे हैं। क्या ये सच नहीं है कि हेमंत जी ने 2019 में झूठ बोलकर सत्ता प्राप्त किया। उन्होंने कहा था कि पारा शिक्षकों को परमानेंट कर दूंगा। उन्होंने कहा था कि नौजवानों को 5,00,000 नौकरी हर साल दूंगा। कहा था कि ग्रेजुएट्स को 5,000 और पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 बेरोजगारी भत्ता दूंगा और नहीं दूंगा तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। क्या ये सच नहीं कि उन्होंने कहा आंगनबाड़ी सेविका को परमानेंट करूंगा सहायिका रसोईया को परमानेंट करूंगा सहायक पुलिसकर्मी को परमानेंट करूंगा होमगार्ड को परमानेंट करूंगा। कुछ भी नहीं किया सिर्फ झूठ बोला फरेब किया जनता को ठगा खजाने की चोरी की लूटा। इसीलिए सदन के बाहर और सदन के अंदर भी उन्हें उनकी घोषणा याद कराकर और उन्हें हम औकात बताने का काम कर लिया। सदन के अंदर भी आज इस मुद्दे को आप लोग उठाएंगे बिल्कुल उठाएंगे आप देख ही रहे हम लोग उठा बाहर से सदन से बाहर से सदन के अंदर मामला को लाए। देखिए साफ तौर पर एक पूरी तैयारी है और इस तैयारी के तहत जो तमाम विधायक है वो सरकार को घेरने में लगे कि सरकार जो वादा कर सत्ता में आई थी उस वादे को याद करा रहे हैं। तो देखिए लगातार जो नारेबाजी है सरकार के खिलाफ वो बीजेपी के तमाम विधायक कर रहे हैं और साफ तौर पर चाहे आंगनबाड़ी सेविका का मुद्दा हो सहायक पुलिसकर्मियों का पारा शिक्षक का हो या फिर जिस तरह से मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप इन पर लगा उन मुद्दों पर सवाल पूछ रहे हैं। नारेबाजी आप देखिए किस तरह की तमाम विधायक कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ आए थे वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ऐसा ही नजारा पहले दिन से पहले बांग्लादेशी घुसपैठ फिर दूसरे बांग्लादेशी घुसपैठ और आज तीसरे दिन आपको दिखाए तो जिस तरह से तमाम विधायक 5,00,000 नौकरी की बात पूछ रहे हैं 12 शिक्षकों के स्थायीकरण की पूछ रहे हैं तो सहायक पुलिस कर्मियों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दों पर सवाल पूछ रहे की आखिर आखिर इन तमाम मुद्दों का क्या हुआ है। देखिए हम बात करते हैं विधायक से यहाँ पर की आखिर क्या कह रहे हैं और कब तक ऐसे जो नारेबाजी वो होती रहेगी कब तक। राहुल गांधी हाय हाय सोनिया गांधी हाय हाय सरकार के खिलाफ जो नारेबाजी है वो चल रही है बात चल रही है विधायक भी आज भी सदन नहीं चलेगा हंगामा की बैठ चलेगा आज भी यही होगा कि बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो झारखंड में अनाज
मुझे साथ कहना है कि सवाल पूछा गया और सवाल पूछना ही उनका काम है। सरकार आई बातों से आगे कर रही है तो विपक्ष की भूमिका है और विपक्ष जो है वो मजबूती से अपने आवाज को उठाएगा। देखिए भानु प्रताप शाही है यहाँ पर, हम इनसे जानते हैं क्या कह रहे हैं। ये अलग बात है लेकिन जमीन पर हकीकत क्या है, बालू 5,000 से 10,000 रुपए ट्रैक्टर बिक रहा है, कोयला उठा करके बेच दिया टिहरी के और बनारस के मंडी में, जमीन का बड़ा बड़ा बाउंड्री बना लिया लोगों ने, तो जल जंगल जमीन तो लूट ही लिया इन लोगों ने, बचा क्या है। लेकिन अब आप लोगों पर आरोप लग रहा है कि आदिवासी महिलाओं को देश स्तर पर बदनाम करने की कोशिश हो रही है बांग्लादेश के बीच में चीख के नाम पर। आप देखिए ना जा करके पाकुड़ में क्या घटना हो रहा है, जा करके देखिए साहेबगंज में क्या हो रहा है, जा करके देखिए दुमका और जामताड़ा में क्या हो रहा है। हकीकत तो आप ही लोग दिखाते हैं, आप क्यों नहीं दे रहे? हम लोग तो आप ही के विषय को उठा करके लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जवाब क्यों नहीं देते हैं? ये भाग रहे हैं ना, पतली गली से भाग जाते हैं, स्पीकर को आगे कर देते हैं, हाउस को एडजोन कर देते हैं। क्या लग रहा है स्पीकर को चेहरा बना करके, स्पीकर के चेहरा के आड़ के पीछे हेमंत सोरेन सरकार छुप जा रही है हाउस के अंदर। बाहरी बनाम बांग्लादेशी की लड़ाई अब चल रही है सदन में, लगातार चलते रहेगा जब तक बांग्लादेशी को हम लोग भगा नहीं लेते हैं, जब तक झारखंड में एनआरसी नहीं लगा देते हैं तब तक ये चलता रहेगा। तो देखिए साफ तौर पर जो बालू और कोयले की मांग है उनसे बात करते हैं अनंत ओझा, क्या कहेंगे आज सहायक पुलिस कर्मियों का मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं? नहीं, लगातार देखिए ये झूठे वादे झूठे नारे दे करके ये सरकार सत्ता में आई और आज नौजवानों के 5 लाख के रोजगार के सवाल हम पूछ रहे हैं, उनको बेरोजगारी भत्ता देने के बारे में पूछ रहे हैं, उनको संविदा कर्मियों को स्थायी करने की बात कही थी उसके बारे में पूछ रहे हैं, आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से जो हजारों पद रिक्त भरे जा रहे हैं उसके बारे में पूछ रहे हैं, 2,80,000 पद रिक्त पड़े हुए हैं उसके बारे में हम पूछ रहे हैं, ऐसे सारे युवाओं के सवाल हम आज सदन के माध्यम से सरकार से पूछ रहे हैं, इसलिए कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया है। वहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसा करके यहाँ के गरीब किसान मजदूर उसका रोजगार छीन रहे हैं ये बांग्लादेशी घुसपैठिए, उनकी आवाज हम सदन के माध्यम से सरकार से कर रहे हैं। सत्ता पक्ष कह रहे हैं कि आप लोग देश स्तर पर आदिवासियों का बदनाम कर रहे हैं। नहीं, आज क्या पाकुड़ के आदिवासी छात्रावास में रहने वाले हमारे नौजवान वो आदिवासी नहीं है, ये इनकी परिभाषा अपनी बदलनी पड़ेगी। झारखंड के जल जंगल जमीन ये बांग्लादेशी छीन रहे हैं, उन आदिवासियों की चिंता इनको नहीं है। संथाल परिणाम में वहाँ के स्थानीय जो हमारे मूलवासी है, जो आदिवासी है, वो पंचायती राज का अधिकारी पर काबिज हो रहे हैं, उनके बारे में सरकार को चिंता नहीं है, इसलिए इनकी नीयत अच्छी नहीं है और ये लगातार इसी प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। चुनावी वर्ष कुछ महीने के बाद चुनाव में जाएंगे तो क्या लगता है कि परिणाम आप लोगों का देखने को मिलेगा कुछ और इस बार? हम तो झारखंड की जनता ने जनादेश दे दिया है, अभी संपन्न लोकसभा के चुनाव के समय में झारखंड की जनता ने अपना जनादेश दे दिया है, ये सरकार पूरी तरह से फेल है, राज्य की जनता का विश्वास खो चुकी है, प्रदेश के युवा सड़कों पर है, किसान आंदोलनरत है, 50 से अधिक विधानसभा सीटों पर इनके खिलाफ जनादेश देने का काम किया है, लव जिहाद लैंड जिहाद से लेकर के वोट जिहाद करने के बाद भी ये राज्य की जनता का विश्वास ये अर्जित नहीं कर पाए हैं, इसलिए 2024 में राज्य की जनता इनको उत्तर देने के लिए बैठी हुई है। तो साफ तौर पर जिस तरह से भाजपा